लोकसभा चुनावों में लोगों को मतदान करने के लिए सरकार व प्रशासन द्वारा मॉडल बूथों पर पहली बार मतदान करने वाले युवाओं को और बुजुर्गों को फूल मिठाई देकर सम्मानित किया गया, ताकि लोगों में अपने मत का बढ़ चढ़कर उपयोग करें और एक अच्छी सरकार बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाएं। इसी के चलते SDM नालागढ़ व निर्वाचन अधिकारी प्रशांत देष्टा का भी एक मानवता की मिसाल पैदा करने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें SDM नालागढ़ द्वारा नालागढ़ के खेड़ा गांव में एक विकलांग 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला अंति देवी को गोद में उठाकर उसे मतदान केंद्र तक स्वयं ले जाकर महिला से मतदान करवाया है। SDM नालागढ़ प्रशांत देष्टा की इस पहल से उन्होंने मानवता की एक मिसाल पेश की है, जिसकी पूरे क्षेत्र में प्रशंसा की जा रही है। आपको बता दें कि महिला बीते कई सालों से बीमारी से ग्रस्त होने के कारण बिस्तर पर ही है, और SDM नालागढ़ को जब इसके बारे में पता चला तो उन्होंने पीड़ित महिला के घर पहुंचकर उसे गोद में उठाकर मतदान केंद्र तक पहुंचाकर महिला से मतदान करवाया। 80 वर्षीय एक विकलांग महिला को SDM साहब ने अपनी गोद में उठाकर उसका मतदान करवाया। बड़ा सराहनीय कार्य है। और आइडल जो पोलिंग स्टेशन नालागढ़ में बने हैं, 3-2 कंस्टिट्यूंसी में बने हैं, 5-6, तो ये भी एक नया लोगों को देखने को मिला है। लोग इनको आइडल जो पोलिंग स्टेशन है इनको देखने आ रहे हैं, चाहे उनकी वोट कहीं और भी है। तो ये नया कार्य है, SDM साहब ने सराहनीय काम किया है और मैं SDM साहब को मुबारकबाद देता हूँ। इन्होंने बड़े अच्छे सराहनीय काम किए हैं और ये बधाई के पात्र हैं। इस बार जो है मतदान जो हो रहा है वो एक पर्व के रूप में मनाया जा रहा है। जैसे कि हम जानते हैं कि आज हिमाचल प्रदेश में भी जो हमारे लोकसभा के चुनाव हैं, देश के अंतिम चरण में चुनाव हो रहा है, लोगों में बहुत सी उत्साह देखा जा रहा है। और जो ये अच्छी शुरुआत सरकार और प्रशासन की है कि एक 3 हमारे जो है नालागढ़ में 3 वार्डों में जो बूथ बने हैं वो मॉडल बूथ बने हैं, जहाँ पर जिन्हें बहुत अच्छे ढंग से सजाया गया है और युवाओं को और जो बुजुर्ग हैं उनको जो है बहुत ही सम्मानित किया जा रहा है। उन्हें मिठाइयाँ दी जा रही है या फूलों से सम्मानित किया जा रहा है। इससे लोगों में प्रोत्साहन बढ़ता है, मोटिवेशन आती है कि हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें इस चुनावों में। तो हम जिस भी बूथ पे गए हैं लोगों में इतना उत्साह देखा है कि लोग सोचते हैं जैसे कोई पर्व मना रहे हैं, कुछ उत्सव मना रहे हों। तो ऐसी शुरुआत जो है इसके साथ लोगों को प्रेरणा मिल रही है। और जब ये हमने देखा या अपने फेसबुक पे या कहीं पे भी देखा, तो वहाँ पे देखा कि सोशल मीडिया में देखा कि प्रशांत जो देष्टा जी है हमारे SDM, उन्होंने एक बुजुर्ग महिला को 80 वर्षीय को गोद में उठाकर मतदान करवाया। इससे हम लोगों को बड़ी खुशी हुई और इससे बहुत प्रेरणा मिली। आम जो बंदा है जो घर में बैठा है वोट डाले अभी नहीं युवा है, वो सोचता है कि जब एक बुजुर्ग महिला को एक मतदान केंद्र पर ले जाया जा रहा है तो लोगों में सोच आती है कि हम सबको भी घर से जाकर मतदान करना चाहिए और लोगों को हम उत्साहित करना चाहिए कि हम मतदान केंद्र में जाएं और अपना वोट डालें। ये एक बहुत ही मूल्यवान चीज़ है। ये इसी इन मतों से ही हमारे जो देश का भविष्य जो है जो निश्चित होगा कि अगर हम सही वोट डालेंगे तो हमारे देश में अगर सही सरकार आएगी तो देश विकसित होगा और आगे बढ़ेगा। नालागढ़ सोलन से अमरप्रीत पुंज की रिपोर्ट। Subscribe our channel for latest news and updates and don't forget to press bell icon for latest notifications.